नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, जैसे ही देखिए एक वर्ष बीतता है, जैसे ही दूसरा वर्ष आना शुरू होता है, हर किसी के मन में ये जिज्ञासा जाग जाती है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो वर्ष है, हमारे जीवन के अंदर कैसा आने वाला है या क्या परिस्थितियां आने वाली है। या यूं कहें, जब आधा वर्ष ही बीतता है तो मन में टेंशन ये नहीं होती कि अभी का वर्ष कैसा जाएगा, हमारे मन में जिज्ञासा जागने लग जाती कि आने वाला जो वर्ष है, आने वाला जो समय है, वो हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, जैसे ज्योतिष के माध्यम से हम जानते हैं, जैसे हमारी 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 राशियां, उसके अनुसार हम फलादेश लेते हैं कि जीवन के अंदर कैसी परिस्थितियां बनेंगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या रिश्तों में तनाव आएंगे, या क्या परिस्थितियां शुभ बनेंगी, हमें क्या प्रोग्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी हैं, जीवन में कोई धोखा तो नहीं मिलने वाला, हमें हमारा मनचाहा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम प्रॉपर्टी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, या जीवन में लाभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी परिस्थितियां हमारे मन में चलती रहती है। बस मन के अंदर चलता रहता कि क्या होगा हमारे जीवन के अंदर, कैसा होगा हमारा आने वाला वर्ष। और विशेष तौर पे देखें, 2020 जैसा सबके लिए गया है तो हर किसी के मन में जिज्ञासा है ये जानने की कि 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है, या हमारे लिए 2021 कैसा जाएगा, या क्या परिस्थितियां बनेंगी, कहीं 2020 की तरह ही तो नहीं होगा कि हमारे लिए 2021 भी जाए। ये सारी जिज्ञासा को दूर करने के लिए एस्ट्रो योगी ने एक कदम उठाया है, लेकिन इस बार आपको आपकी राशि के अनुसार यहाँ पे फलादेश नहीं मिलेगा, आपको अंक ज्योतिष के अनुसार, आपके अंकों के अनुसार फलादेश बताया जाएगा। अब देखिए, अंक ज्योतिष, आप सोचेंगे कि अंक के अनुसार कैसे फलादेश बताया जाएगा, जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसी तरीके से देखिए हमारा अंक शास्त्र भी है। कहीं ना कहीं जो लाभ अच्छी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर होती है, बुरी चीज़ें होती है, जब हम ज्योतिष शास्त्र 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं कि कहीं ना कहीं 9 ग्रह हैं, 12 भाव है, 27 नक्षत्र हैं, लेकिन जो अंक ज्योतिष आधारित होती है उसके माध्यम से भी हम अपने जीवन का फलादेश पा सकते हैं। अंक ज्योतिष देखिए जो आधारित है, 1 से लेकर 9 नंबर पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं ये 9 नंबरों के ऊपर आधारित है, असल में ये भी 9 ग्रहों के ऊपर आधारित है। जैसे मूलांक 1 के लिए देखिए जो होता है, 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 बृहस्पति का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है, 8 शनि का है और 9 मंगल का है। अब इसमें बस ये होता है कि आपकी कुंडली नहीं बनती, लेकिन आपके मूलांक के अनुसार, या जब हम डीपली एनालिसिस करते हैं अंक ज्योतिष में, आपके भाग्यांक के अनुसार आपको, या आपके मासिक अंक, नामांक, इन सब चीजों का समावेश करके फलादेश बताया जाता है। लेकिन एस्ट्रो योगी ने सोचा कि क्यों ना आपके मूलांक के ऊपर भी आपको कुछ फलादेश वर्ष 2021 के अनुसार दिया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो अंक हैं, आसपास जो आंकड़े आपके घूमते रहते हैं नंबरों के, अंकों के, उसके माध्यम से भी आपको पता चल सके कि वर्ष 2021 में आपके जीवन में क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए, हमारे जीवन के अंदर अंक चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी आयु, जैसे कोई बच्चा 1 साल का हुआ अंक 1, 2 साल का हुआ अंक 2, ऐसे 1 से लेकर जब तक उसकी आयु है, अंक चारों तरफ है। मोबाइल नंबर, हमारा बॉडी वेट, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट नंबर, हमारा पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, कहाँ अंक नहीं है। पूरी दुनिया जो है अंकों के माध्यम से ही घूम रही है। उसी तरीके से तो ये अंकों का सोचा जाए तो हमारे जीवन के ऊपर कितना विशेष प्रभाव पड़ता होगा। उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना अंकों के आधार पर वीडियो बना के भी आपकी जिज्ञासा को दूर किया जाए। और छोटी छोटी टिप्स अगर आप अंक ज्योतिष की फॉलो करते हैं, उससे भी आपके जीवन के अंदर विशेष लाभ होता है। जैसा आपने देखा होगा, आजकल एक प्रचलन है कि कहीं ना कहीं हर कोई अपने नाम के अक्षर में जो है कुछ अक्षर ऐड करता है, कुछ डिलीट कर देता है, तो उससे उसको विशेष तरक्की मिलने लग जाती है। ये अंक शास्त्र है। शुभ लोग अपने बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं, लकी कार के जो नंबर होते हैं, जो 4 डिजिट नंबर होता है, वो अपना एड्रेस ऐसा लेते हैं ऑफिस का, घर का, कि उनको लाभ हो, और लाभ मिलता भी है, तरक्की मिलती भी है। तो कहीं ना कहीं जितनी शक्ति हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर है, उतनी ही शक्ति हमारे अंक शास्त्र के अंदर भी है, और इसको एक आम इंसान भी सरलता से कहीं ना कहीं समझ सकता है। तो वर्ष 2021 के लिए हम जानेंगे कि अंकों के अनुसार आपके जीवन में क्या परिस्थितियां रहेंगी, या क्या उतार चढ़ाव रहेंगे,
उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियोस आपको बताऊंगा एक एक अंक के बारे में आपको लाभकारी लगेंगी, आपको उससे लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारे मन को भी खुशी मिलेगी कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो अब वीडियो की अंकों की शुरुआत एक एक करके करते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए भविष्य वर्ष 2021 हमारे अंक के अनुसार कैसा जाने वाला है। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 मूल अंक 6 के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, कैसी आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां बनेंगी या कैसे उतार चढ़ाव आएंगे या कौन से ऐसे अच्छी चीजें हैं जो आपके लिए वर्ष 2021 में बन रही है। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि मूल अंक 6 किनका होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है उनका मूल अंक 6 माना जाता है और आपका जो प्रभावी ग्रह माना जाता है वो शुक्र ग्रह माना जाता है। कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से आप लोग प्रभावी माने जाते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। अब अगर देखते हैं, देखिए वर्ष 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं देखिए बुध ग्रह के ऊपर बनता है वर्ष 2021, क्योंकि अगर हम इसको पूरा प्लस करेंगे तो मूलांक 5 बनेगा और आपका मूलांक 6 बनता है। तो कहीं ना कहीं बुध और शुक्र के बीच में मित्रता अंक ज्योतिष में मानी गई है। मूलांक 6 के जातकों के लिए वर्ष 2021 बहुत लाभकारी साबित होगा। विशेष तौर पे देखिए आपके कामकाज के लिए जो परिस्थिति बन रही है वो वर्ष 2021 में बहुत अच्छी बन रही है। कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलना, प्रमोशन होना, ग्रोथ होना, ये आपके मूलांक 6 के अनुसार वर्ष 2021 में नजर आ रही है। साथ ही अगर देखा जाए जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लिए भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं काफी काम में बढ़ोतरी होगी। गारमेंट्स के काम में है, परफ्यूम्स के काम में है, या फिर अगर देखा जाए जो प्रोडक्शन हाउसेस है जिनके मीडिया से संबंधित कोई काम है उनके लिए विशेष तौर पर वर्ष 2021 के अंदर लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं मूलांक 6 के जातकों के लिए वर्ष 2021 व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा जाने वाला है। अब देखिए बात करते हैं कि और क्या क्या परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर बन सकती है। संतान के लिए अगर आप प्लान कर रहे थे मूलांक 6 के जातक, तो विशेष तौर पर आपको संतान की भी प्राप्ति वर्ष 2021 के अंदर होने के पूर्ण रूप से योग बनते हैं। ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए, देखिए विदेश यात्रा तो नजर नहीं आती, लेकिन जो भी ट्रैवलिंग होगी आपकी शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग रहेंगी, लेकिन सुखमय ट्रैवलिंग होगी। कहीं ना कहीं उसमें आपको लाभ की परिस्थिति बनेगी। और देखिए लग्जूरियस लाइफ जो 6 अंक वाले हमेशा चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ष 2021 में आपको मिलनी है, क्योंकि देखिए बुध और शुक्र मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वाहन अच्छा मिलना, पैसा बढ़ना, अच्छा स्वास्थ्य रहना। देखिए स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत नजर नहीं आती कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। हाँ ये जरूर है, मूलांक 6 के जातकों को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए, मीठा कम खाइए। आप लोग मीठा कई बार बहुत ज्यादा खा लेते हैं जिससे शुगर की तकलीफ बन सकती है, तो विशेष तौर पे इसका ध्यान रखिए। और वर्कआउट एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप लोग भी जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने वजन का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह भी एकदम चीजों को, एक वेट को जिसे कह लीजिए, बढ़ा देता है। तो बस एक छोटा सा आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर देखा जाए आपके मूलांक के हिसाब से अगर देखा जाए चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगी। अब देखिए और इसका विशेष लाभ आपको तब मिल सकता है, अगर देखिए मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं, अगर आपकी आयु 21 वर्ष है, 24 वर्ष है, अगर आपकी आयु 27 वर्ष है, 30 वर्ष है, 33 वर्ष है, तो विशेष तौर पर आपको वर्ष 2021 के अंदर लाभ मिलना ही मिलना है। मतलब देखिए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी हुई है, बस आपको चाहिए कि आप जाके उनको अंदर अपने घर के बुला लें। कहीं ना कहीं विशेष तौर पे मूलांक 6 के जातकों के लिए वर्ष 2021 में लाभ होगा। प्रेम संबंधों में देखा जाए बहुत ही सुधार आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन साथी मिल सकते हैं, आपके जीवन के अंदर सुधार आएगा, वैवाहिक जीवन के अंदर सुधार आएगा। पति पत्नी में जो अनबन चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर का मूलांक 1 है तो वो अनबन चलती रहेगी, क्योंकि शुक्र और सूर्य का मेल अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत अंक होते हैं, लेकिन देखिए खास तौर पे 1 और 6 का आंकड़ा अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर का मूलांक 1 है तो फिर भी परिस्थिति वैसे ही चलती रहेगी कि तनावपूर्ण या झगड़ों वाली स्थिति कहीं ना कहीं चलती रहेगी। लेकिन बाकी अगर आपके पार्टनर का कोई और मूलांक है तो जहां तक मुझे लगता है कि परिस्थिति सही रहेगी, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, रिश्ता मजबूत होगा, नए आपको प्रपोजल मिलेंगे, आपकी शादी होने के भी विशेष तौर पे योग बनते हैं। कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा। लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने पाम के ऊपर 33 नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, उससे विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। जितना हो सकता है ब्लू कलर का
पिंक कलर का, व्हाइट कलर का आपने पूरे वर्ष फॉलो करना है, उससे आपको और ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वर्ष रहेंगे अप्रैल में और साथ में आपका नवंबर और दिसंबर वर्ष 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले, मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ मेजर काम आपके होने ही होने हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आपके लिए अच्छी बन रही हैं। बस ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि मूलांक 6 के जातकों को पैसा कई बार देखा गया है कि आप देखिए आपकी लग्जूरियस लाइफ होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को शो करने के चक्कर में आप लोग कई बार पैसे की तंगी भी महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पैसे को देखिए भगवान अगर दे रहा है और आपको इनफैक्ट 2021 में और देगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शो मत करिए। अन्यथा क्या होता है कई बार जो होता है कि सामने वाला आपके लिए मतलब ऐसा सोचेगा कि आप उस चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। तो बस एक छोटी सी एक मैं आपको सलाह और देना चाहता था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के वर्ष 2021 आपके लिए बहुत बेहतरीन है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करिए, लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। विशेष तौर पे वर्ष 2021 के अंदर आपको लाभ होगा। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, वो मूलांक 6 की महिलाएं, अगर आप सोच रहे थे संतान के लिए तो कहीं ना कहीं वर्ष 2021 आपके लिए लाभकारी बनता है। तो ये जानकारी थी आपके मूलांक 6 के अनुसार। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलांक 7 के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ज्योतिष से संबंधित और वीडियोस भी समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी और आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी विशेष तौर पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी। और वीडियोस को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि आपका भी लाभ हो और आपके अपने जो करीबी हैं, जो आपके अपने, उनका भी लाभ हो, उनको भी ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से प्राप्ति हो पाए कि उनका आने वाला समय कैसा है या क्या उनके जीवन में परिस्थितियां बनने वाली हैं। तो अनुरोध आपसे यही है, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा प्यार आप सभी दर्शकों ने एस्ट्रो योगी के साथ इतने वर्षों से बना रखा है उसको बनाए रखें और एक एक करके हमारे एस्ट्रो योगी के परिवार के साथ आप सभी जुड़ते रहे। हम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो योगी इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।